देखिए यूनिट 4 है बीएससी माइनर मैथ से रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। पार्ट वन पहले मैंने आपको बना दिया है, तो उसमें थ्योरी वगैरह समझाई, तो एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी है, वो आप देख लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, देखो किस तरीके से करना है। देखो लिखते दिया है, ठीक है। अब क्या दिया अपन को, 1 + x² dy अपॉन कितना dx प्लस 2xy इक्वल टू cos x, ठीक है। अब इसको अपन क्या इसमें सबका भाग दे देंगे, तो अपन इससे कट जाएंगे, यहां से भाग देना, सब में क्या देना भाग, 1 + cos² अपन क्या 1 + x² का भाग दे देंगे, इससे कट जाएगा, बचेगा कितना dy अपॉन dx प्लस 2x, यहाँ पर कितना दिया 1 + x², यहाँ पर बाहर रख सकता हूँ, बराबर इसमें एक भाग दो cos x 1 + x² भाग दे दिया, इससे ये कट जाता है इसलिए ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपन उपरोक्त समीकरण से करेंगे, उपरोक्त समीकरण से देखो समीकरण अपने क्या है, dx dy अपॉन dx प्लस पी एक्स ए वाई इक्वल टू थीटा एक्स, ठीक है। पी का मान अपने कितना रहेगा 2x 1 + x² एंड थीटा एक्स का मान कितना, देखो यहाँ पर लिख भी लो आप क्योंकि करके, देखो पी बराबर कितना दिया 2x 1 + x² और थीटा बराबर क्या जाएगा cos x 1 + x², ये आपके माने जाएंगे यहाँ पर। देखो p का मान कितना आ जाएगा, x का मान a बाय आपको दिए है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो इतना अच्छे से नोट करो, पर यहां से बताता हूँ, ठीक है। हो गया इतना, अब देखो यहाँ पर पाई एफ इक्वल टू होता है e की पावर पी डी एक्स पी डी एच, ठीक है। यहाँ पर देखो आई एफ इक्वल टू करेंगे पी डी पी का मान कितना दिया अपना 2x 1 + x² हो गया। अब देखो यहाँ पर आई एफ इक्वल टू पी ई की पावर 1 + x² हो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर p की पावर एक्स स्क्वायर, देखो आई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, p का मान कितना है इस तरीके से रख सकते हो, आपके कहना अपन समीकरण करना कितना जाएगा, यहां पर देखो p का मान 0 f यहां पर dx भी आएगा, ठीक है। यहां पर p का मान देखो dx अपॉन आएगा बटे डी टू आई एफ की पावर ई की पावर कितना आ जाएगा डी टी अपॉन कितना टी आई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा टी टी का मान कितना आई एफ इक्वल टू 1 + x² जो आएगा, ठीक है। इतना इतना अच्छे से लिखिए, फिर आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। लिखो एक देखो इतना मिटा देता हूँ ये वाला, ठीक है। अब देखो क्या आ गया अपना आई एफ इक्वल टू 1 + x² ए आया। अब यहाँ पर अपन देखो क्या करते हैं, पूरा समीकरण रखते हैं बाय तथा करके तथा बाय आई एफ इक्वल तथा वाई एफ इक्वल टू थीटा इंटू आई एफ और यहाँ पर आएगा डी एक्स प्लस सी, इसमें बाय का मान ऐसे कैसे रखेंगे, आई एफ का मान कितना आया 1 + x², ठीक है, इक्वल टू को साइन लगाएंगे, थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान अभी आपको बताया cos x 1 + x² ए दिया है, आई एफ का मान कितना है 1 + x², ठीक है।
डी एक्स प्लस सी, इससे ये कट जाएगा तो वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू को साइन, समाकलन करेंगे कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कितना सी, तो वाई करेंगे वाई बराबर साइन एक्स प्लस सी बटे कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही रहेगा आपका आंसर। ठीक है, एक और बार यहाँ से समझ लीजिए, अपन करते हैं, अब देखो यहाँ पर पूरा क्या समय पूरा रखना पड़ता है, तथा करके y into if इक्वल टू समाकलन का साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन बोलते हैं थीटा into i into f कोष्टक वन डी एक्स प्लस डी सी। ठीक है, इस तरीके से y if का मान कितना रख देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ पर थीटा का मान मैंने आपको थीटा का मान बताए थे, यहाँ लिख भी लो आप, थीटा बराबर क्या होता है कॉस एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, इतना है, थीटा का मान रख दोगे इससे वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और इसका कॉस एक्स का समाकलन करो साइन एक्स होता प्लस अपने इंटीग्रेट वो नियतांक रहता प्लस सी, इस तरीके से सॉल्व करेगा तो ये आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, स्कूल के अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर आप तीसरा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, इसमें लिखना दिया है, दिया है लिखना जो आपको क्वेश्चन दिया कितना एक्स स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना जीरो। अब इसको अपन गुणनखंड विधि से अपन एक्स 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 और वाई के मान अलग अलग दो मान निकालेंगे। देखो यहाँ पर अपन माइनस से कितना मान, यहाँ पर कुछ नहीं रहते, माइनस से कितने सिक्स है, गुणा करने पर ऐसी दो संख्या सोचो, गुणा करने पर माइनस सिक्स आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए उनको प्लस का आना चाहिए, बन समझ लो। देखो यहाँ पर कितना करेंगे अपन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस करेंगे थ्री एक्स वाई पी माइनस टू एक्स वाई पी, तीन में से दो घटाएंगे तो एक बचेगा एक है एक्स वाई पी, गुणा करेंगे माइनस सिक्स आ जाएगा माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना जीरो। यहाँ पर अपना एक्स और पी क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर एक्स पी प्लस कितना थ्री वाई बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से और कितना टू वाई, टू वाई टू टू आ गया। ठीक है, और y भी आ जाएगा टू वाई, यहाँ से एक्स पी माइनस माइनस प्लस हो जाता है थ्री वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए वाला मान और ए वाला दोनों बराबर, तो अपन एक को रखते हैं एक्स पी प्लस थ्री वाई। ठीक है, एक और कौन सा एक्स पी माइनस के टू वाई इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर जीरो, यहाँ पे क्या आएगा जीरो, अब ऐसे लिखेंगे एक्स पी इक्वल टू माइनस थ्री वाई और एक्स पी इक्वल टू टू वाई, इसको चार तो समीकरण नंबर आप एक दे दीजिए। देखो अब इससे करना है अपन को ए वाले से करके देख दीजिए कितना आएगा एक्स पी इक्वल टू माइनस थ्री वाई, अब पी का मान क्या होता है पी का मान देखो यहाँ पर अच्छे से याद रखना, पी बराबर इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, पी का मान क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर अपना एक्स जाएगा पी का मान निकालिए डी वाई अपॉन कितना डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री वाई, यहाँ पर कुछ नहीं रहता एक अब त्रिया गुणा करिए कितना आ जाएगा एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस थ्री वाई डी एक्स, अब वाई वाई आप एक तरफ कर लीजिए और एक्स 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 तरफ कितना जाएगा डी वाई, यहाँ पर कितना बाय आएगा इक्वल टू माइनस थ्री रहेगा डी एक्स अपॉन कितना एक्स, बाय से बाय एक्स एक्स मत काट देना, अब होगा अपना समाकलन, तो लिखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों पर समाकलन करना, समाकलन करेंगे कितना जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस थ्री बाहर ले लीजिए डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो कितना आएगा लॉग वाई इक्वल टू माइनस
लॉग एक्स, यहाँ पर अपना एक्स है तो माइनस उधर जाके क्यू हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस लॉग सी आएगा, ठीक है ना आ गया। अब इस तरफ पे ही मिटा लो, फिर आपको आगे समझाता हूँ। ये मिटा देता हूँ, देखिए क्या आ गया अपना, log y इक्वल टू माइनस log x क्यूब प्लस log c, यही आया। अपन बराबर किस तरफ, इस तरफ लाएंगे, कितना हो जाएगा log y प्लस log x क्यूब इक्वल टू log c। अब यहाँ पर देखिए साइड में देख लो, यहाँ पर इस तरफ पे बैठा देता हूँ, आप लिख लेना, फिर इसके बाद ये करना, ठीक है। अब देखिए कितना होता है log y प्लस log x इक्वल टू log y x, ऐसे आता है। तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हो, log y x क्यूब इक्वल टू log c, तो log से log कटेगा, y x क्यूब इक्वल टू कितना c, तो y x क्यूब माइनस c इक्वल टू क्या देगा, इसको समीकरण नंबर आप दो दे दीजिए, ठीक है। इतना हो गया ये वाला, रोक रोक के वीडियो पूरे लिख लेना, फिर अच्छे समझना, ठीक है। दो बार वीडियो देख लेना आ जाएगा, नहीं आएगा तो एक एक ऐसे तरीके से समझा रहा हूँ आपको, एक ही बार में समझ में आएगा, नहीं आएगा तो दो बार देख लेना, ठीक है। अब इसको अपन ने कर दिया यहाँ तक, अब ये वाला मिटा देता हूँ, ले अब क्या करना है, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण अपने एक्स, समीकरण एक्स एक क्या था अपना, एक्स पी इक्वल टू टू वाई का। अब देखो एक्स पी इक्वल टू टू वाई, अपन पी का मान मेरा बी लिख के आया, तो पी का मान क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर एक्स करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू वाई, यहाँ पर कुछ नहीं रहते, त्रिया गुणा करिए, एक्स डी वाई इक्वल टू टू वाई डी एक्स। अब y y एक तरफ करिए और x x एक तरफ, कितना जाएगा dy y अपॉन y इक्वल टू डी एक्स अपॉन x, और 2 लगा लेना। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे। अब देखो समाकलन किस तरीके से करना है, ए वाला इस तरफ को मिटा दो, लिख लेना अच्छे से, वीडियो रोक के अब इतना लिख के फिर मिटा देता हूँ। अब देखो बोर्ड छोटा है इसलिए एडजस्ट करना, समाकलन करना, कितना जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू टू बाहर रहेगा dx अपॉन x, इसका कितना होता है log y इक्वल टू ए, यहाँ पर यहाँ पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा log x क्यूब प्लस log c। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बराबर गुस्सा है, इसका लाएंगे कितना हो जाएगा log y माइनस log x स्क्वायर इक्वल टू कितना log सू माइनस है, तो अपन ने एक और देख, मैं यहाँ पर ए बार बिटा दूँ करते रहना है। देखो देखो log y माइनस log x इक्वल टू इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। इतना अलग है ये वाला, देखना ये वाला अपन किसने करेंगे log y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c, log से log कटेगा तो y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। अब इस तरीके से समझा देता हूँ, देख कितना है अपना y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना सी है, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा सी, बराबर कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे ये काटेंगे तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू कितना जीरो, तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो,
अब करेंगे समीकरण समीकरण दो और तीन से, दो बा तीन से समीकरण अपना दो कितना दिया था, समीकरण दो क्या आया था, y x क्यूब माइनस सी, और समीकरण एक क्या आया अपना y माइनस x स्क्वायर सी, यही अपना रहेगा आंसर। देख लो अच्छे से वीडियो में बता रहा आपको, जितना मैं लिखवा रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप लिखते रहना फिर समझते रहना, एक बार पूरा लिख के फिर पूरा सॉल्यूशन अच्छे से लिख लेना, फिर दोबारा वीडियो देखना तो आपको सॉल्यूशन भी देखते रहना वीडियो भी देखते रहना, समझ में पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो भी सॉल्यूशन, ठीक है।